नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायती टाइम्स में और मैं हूं कमल सिंह। एक बार फिर हम आपके सामने एक अलग मुद्दा लेके हाजिर हैं और एक ऐसा मुद्दा लेके हाजिर हैं आपके सामने जिसे आम मीडिया शायद दिखाने से डरती हो या उसका एक ही पहलू दिखाती है, लेकिन हमने बीड़ा उठाया है कि हम सच की तह तक जाएंगे और आप तक सिर्फ वही बातें पहुँचाएंगे जो सच है। राम मंदिर के मुद्दे पे अलग अलग राजनेता जो हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजियां करते हैं। यहाँ कुछ कहते हैं यहाँ मंदिर बनना चाहिए, कुछ कहते हैं मस्जिद बनना चाहिए, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर देश की जनता इस मुद्दे पे क्या चाहती है। हमारा ये मानना है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि है, ये इतिहास कहता है और हमारी जनभावनाओं को आधार है कि वहाँ राम मंदिर ही बनना चाहिए। अगर इन्हें मस्जिद बनानी है तो कहीं और चले जाएं, मस्जिद यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ राम मंदिर ही बनेगा। जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना चाहिए क्योंकि वहाँ श्री राम राम जन्मभूमि है, वो इतिहास गवाह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ था उस स्थान पे जहाँ पे मंदिर बनना है, इसलिए मुसलमान भाइयों को भी समझ के इस पे मंदिर बनाना देना चाहिए और किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए। और श्री राम के जन्म की भूमि से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इसलिए यहाँ श्री राम जी का मंदिर ही बनना चाहिए। जय श्री राम। अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, मुसलमानों को भी अपने विश्वास में लेके उसका भी अपना उसके जगह पर, लेकिन अयोध्या में राम का ही मंदिर बनना चाहिए। जो अयोध्या का जो मसला है मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इसमें जो लोग जो मस्जिद गिराई गई और उसके बाद जो अब जो मुद्दा उठा हुआ है सबसे जो गहरा सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया हुआ ये कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, और श्री श्री रविशंकर भी इसके लिए उनको बीच में लिया गया कि शायद वो कोई हल निकाल सके। तो मेरी अपनी राय इसमें क्या है कि हमारा जो देश है ना सबसे पीछे इसी वजह से जा रहा है कि ये धर्म की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। मैं ही कहता हूँ कि क्या जहाँ मस्जिद है वहाँ भगवान नहीं है, जहाँ मंदिर है वहाँ भगवान नहीं है? इसका एक ही हल हो सकता है कि अब शिया ने बोल दिया, शिया वालों ने बोला दो होते हैं मुसलमान, सुन्नी होते हैं और शिया होते हैं। शिया वाले इसके लिए एग्री कर चुके हैं कि क्योंकि ये अयोध्या के राम के की हिस्टोरिकल प्लेस है राम के लिए, तो यहाँ बनना चाहिए। शिया वाले एग्री हैं, लेकिन सुन्नी वाले इसमें क्या उठा रहे हैं कि नहीं नहीं हम बनने नहीं देंगे। वो रीज़न क्या है? सिर्फ एक वैकेंसी, इधर रिलीजन मुद्दा एक। तो मेरी राय अपनी ये है कि आप ठीक है यहाँ राम मंदिर बनने दो, और उन्होंने कहा कि हम मस्जिद भी बनाना चाहते हैं किसी और जगह पर, तो हिंदुस्तान के जो अपने जो अखाड़ा के जो मेन हेड हैं वो इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं कि बोलो हम आप भाई मस्जिद क्यों बनाना चाहते हो इस एरिया में, तो यार उनको भी बनाने दो, राइट? तो उनका भी है ना, वो भी पूजना चाहते हैं, अपने गुरु को पूजना चाहते हैं, जो भी उनके भगवान है गॉड को पूजना चाहते हैं, तो आप अपना राम मंदिर बनाइए और उनको भी मस्जिद बनाने दीजिए। दूसरा मेरा पर्सनल व्यू क्या है इस बारे में, पर्सनल व्यू मेरा ये है कि आप दोनों ही चीज़ क्यों नहीं बना देते, वहाँ बहुत सारा स्पेस है, मस्जिद भी बनाइए और मंदिर भी बनाइए। जिसको मस्जिद में जाना मस्जिद में जाए, जिसको मंदिर में जाना मंदिर में जाए। हिंदुस्तान की विरासत है, धर्म की लड़ाई कभी नहीं लड़ी इसने आज तक अगर हम पुराना इतिहास देखें, लेकिन अब ये धर्म में उलझा हुआ है। तो मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा, मेरी सलाह भी यही है कि आप वहाँ मंदिर भी बना दीजिए, मस्जिद भी बना दीजिए, और दोनों मिल बैठ के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हम इसकी कोई हल नहीं निकाल सकते, अकॉर्डिंग टू लॉ देयर इज नो लेजिस्लेशन, कोई लेजिस्लेशन नहीं, कोई कानून नहीं बना हुआ, तो हम क्या हल निकालें? आप बैठिए, दोनों पार्टीज बैठिए और उसका अपने आप ही मिलकर हल निकालिए। तो हल भी यही बनता है कि आप मंदिर भी वहाँ बना दीजिए और मस्जिद भी बना दीजिए, जिसको मंदिर में जाना वो मंदिर में जाए और जिसको मस्जिद में जाना वो मस्जिद में जाए, तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब किस चीज़ का शोर उठा हुआ है? शोर ये है कि दंगे क्यों हो रहे हैं, वजह क्या कि ये भड़काऊ भाषण हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, हमारी राजनीति ठीक नहीं है, हमारे देश की राजनीति। हिंदू और मुसलमानों में हमेशा अगर हम पुराना भी देखें तो बहुत प्यार रहा है उनके बीच में, लेकिन ये हमारी राजनीति इसमें घुस जाती है कहीं कहीं। उन्हें वोट बैंक का सिस्टम रहता है, वो उधर से भड़काएंगे मुस्लिमों को, वो हिंदुस्तानों को भड़का रहे हैं कि हमारे इसमें हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म छोटा पड़ जाएगा, वो कहते हैं हमारा मुस्लिम धर्म छोटा पड़ जाएगा। यार इसमें क्या छोटा पड़ेगा? तुमने उसी भगवान को तो पूजना जो एक ही है, जो बड़े बड़े महागुरु हैं उन्होंने सिर्फ एक ही जब स्पष्ट बोल दिया है, और जब आप उन्हीं की पूजा करते हो स्पष्ट बोल के गए कि सिर्फ एक ही है और उसी पे तो आप दंगे कर रहे हो, लड़ रहे हो और दुनिया को ख़त्म कर रहे हो, हिंदुस्तान को ख़त्म कर रहे हो। क्यों ना मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ वहाँ बना दी जाए और जिसको जो मंदिर में जाना मंदिर में जाए, मस्जिद में जाना मस्जिद में जाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल है कि ये सवाल ही क्यों है, ये सवाल ही गलत है कि अभी मंदिर बने मस्जिद बने
मंदिर मस्जिद क्यों बने? सबसे पहला सवाल, आज हमारे हिंदुस्तान को जरूरत है इलाज की, हिंदुस्तान को जरूरत है शिक्षा की। जब हिंदुस्तान में इतना पिछड़ा हुआ देश है, इतनी साक्षरता दर हमारी इतनी कम है, उसके बावजूद भी हम मंदिर बनाना चाहते हैं, हम मस्जिद बनाना चाहते हैं। कितने मंदिर हैं हमारे हिंदुस्तान में और कितनी मस्जिदें हैं? अगर आप आंकड़ा उठा के देखें तो अकेली दिल्ली में कितनी मस्जिदें हैं, कितने मंदिर हैं। तो आप वहीं वहां पे पूजा कर लो, अपने गुरु को वहां पे पूज लो। और जिस चीज की जरूरत है, आज स्कूलों की जरूरत है, आज हमें शिक्षा की जरूरत है, आज हमें इलाज की जरूरत है। कितने ही लोग हॉस्पिटल्स के बाहर मर रहे हैं, उनके लिए कुछ करो। कितने ही अनाथ बच्चे हैं, कितने ही विधवाएं हैं, कितने ही हमारे बुजुर्ग हैं जो मर रहे हैं, उनके लिए वहां पर अनाथालय खोले जाएं, विधवा आश्रम खोले जाएं, या फिर बच्चों के लिए शिक्षा के कुछ वहां पे पुख्ता इंतजाम किए जाएं, तो ये मंदिर और मस्जिद का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वही सवाल फिर घूम फिर के वापस आता है, राजनीति, वोट बैंक। हिंदुस्तानी अपने मुस्लिम कहते हैं कि हम अपना मस्जिद बनाते हैं, और अपने हिंदू कहते हैं कि हम मंदिर बनाते हैं, और जो हमारे राजनेता है वो कहते हैं कि हमें राजनीति करनी है, और राजनीति के चक्करों में सारा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम ना मुस्लिम है ना, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, एक इंसान है। कुरान शरीफ भी यही कहती है कि भगवान एक है, गीता भी यही कहती है कि भगवान एक है, बाइबल है, सब कहते हैं कि भगवान एक है। जब गीता बाइबल सब ये कहते हैं तो हम कौन है कहने वाले? हम कौन है ये कहने वाले कि मेरा भगवान, मेरा राम बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा? हम नहीं कहने वाले। जब वो ये कह के चले गए, इतना बड़ा इतिहास, अगर हम उस इतिहास को मानते हैं तो हमें इस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए, और अगर हम नहीं मानते तो फिर तो हम इंसान ही नहीं रहे, और जब हम इंसान ही नहीं रहे तो फिर हमारा धर्म क्या, हमारी जात क्या, हमारी प्रथा क्या? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन एक हिंदुस्तानी होने के नाते, पहली बात एक इंसान होने के नाते यही है कि वहां पे ना मंदिर बने ना मस्जिद बने, वहां पे अनाथालय बने, वहां पे स्कूल बने, वहां पे एक ऐसी चीज बने जो हमारे पूरे समाज के काम आए। दैट्स इट, थैंक यू। पहली बात कि यहाँ पर सब मुल्क से बेहतर हमारा भारत मुल्क है, क्योंकि यहाँ जो है सबकी इज्जत है, सबकी बोलने की इजाजत है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, तो सबसे पहली बात मैं उनको 543 जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनको मैं खास करके कहना चाहता हूँ कि आप कब तक ये हमारे आपस में लड़ाते रहेंगे, ये मंदिर और मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर, चर्च के नाम पर, कि आप बाज आ जाएं। लोग समझ चुके हैं आपकी बात को, अब आपके झांसे में नहीं आने वाले। वहाँ जो है आपकी इतनी, आज जो फुल बहुमत की सरकार है, आप क्यों नहीं वहाँ बनाते मंदिर? आपको कौन रोक रहा है? तो आपको मंदिर बनाना के मतलब नहीं है, आपको सिर्फ सियासत करना है। जब इलेक्शन का टाइम आता है आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च यही नजर आता है, बाकी आपको। दूसरी बात कि जब इलेक्शन का टाइम आता है मंदिर के नाम लाकर अब मेन मुद्दा से भटका करके अब मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि आपसे कोई ये ना पूछ दे कि भाई आपने नौकरी का वादा किया था, नौकरी क्यों नहीं दिया, आपने भ्रष्टाचार का कहा था, अपने भ्रष्टाचार के ऊपर क्या काम किया, अपने काले धन मिटाने का काम कहा था उस पर क्या किया आपने, तो ये सब ना पूछने के वजह से इन्होंने मंदिर और मस्जिद में लोगों को उलझा के रख दिए हैं, और कुछ नहीं है ऐसा। इनको न मंदिर बनाना है वहाँ, न मस्जिद बनाना है, ये सब सियासत। अगर मंदिर बनाना ही होता तो आज इनकी फुल बहुमत की सरकार है, ये क्यों नहीं बनाते? हम तो कहते हैं इनसे कि तुम्हारी हिम्मत है तो वहाँ मंदिर बनाओ, क्योंकि तुम्हारी फुल बहुमत है, क्यों नहीं बनाते? कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आपका इच्छा नहीं है मंदिर बनाने के लिए, और लोगों को आपस में लड़ाने की जो आपकी साजिश है, ये आपकी साजिश नाकाम हो जाएगी। और लोग समझ रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, सिर्फ आप जो 543 बैठे हैं ये देश के गद्दार हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि ये देश के गद्दार हैं, क्योंकि ये अगर सुधर जाए तो दुनिया सुधर जाएगी, हमारा भारत वर्ष सुधर जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हिसाब से अयोध्या में मंदिर ही बनना चाहिए, और मंदिर इसीलिए बनना चाहिए क्योंकि श्री राम जी की जन्म स्थान वहीं पर ही है, और इसीलिए वहाँ पर मंदिर ही बनना चाहिए। मस्जिद तो कोई सवाल ही नहीं होता है मस्जिद के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे वर्ष चले तो दूर दूर तक भी अयोध्या की आसपास में कहीं मंदिर मस्जिद ना हो, यही मेरे राय है। ये ना तो मैं एक भारतवासी होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते मेरे यही राय है कि वहाँ पर मंदिर ही बने। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि ये मंदिर जितनी जल्दी हो सके ये मंदिर बनाने के प्रयास किया जाए। धन्यवाद। अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, काफ़ी दिन से वो चल रहा है वहाँ पे, और काफ़ी लोग वहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, वहाँ पे सारी पार्टियाँ वगैरह सारे वो कर चुके हैं, तो वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए।
और उसका काफ़ी दूर तक मसला हो चुका है, काफ़ी वो हो चुका है, हर बार यही होता है वहाँ पे, तो हर बार काम रुक जाता है वहाँ पे। क्यों रुक जाता है, उसकी वजह क्या है, उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता कि सारे मंत्री पॉलिटिक्स वगैरह सारे ये सोचते हैं, सारी कोशिश करते हैं। योगी साहब भी वहाँ पे गए, योगी साहब ने भी वहाँ पे कहा, तो वहाँ पे कुछ अभी तक सुझाव नहीं मिल पा रहा है जो हिंदू धर्म का वहाँ पे अयोध्या मंदिर बनना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए वहाँ पर। बाकी लीगल इश्यूज़ क्या हैं, क्या क्या मैटर हैं, वो तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देख रही है, जानती है, वो तो मैटर को कैसे सॉल्व करते हैं अब उनके ऊपर डिपेंड है। बट एज अ हिंदू मैं तो अब भगवान की, राम की पूजा करता हूँ या अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं तो ये कहूँगा कि एज अ हिंदू आई विल से कि हाँ राम मंदिर बनना चाहिए, आई विल गो विद राम मंदिर। बाकी लीगल मैटर्स क्या है, दैट इज़ अप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो करेगी डिसीजन जो लेगी सबसे ऊपर तो वही है। थैंक यू।